आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत YouTube चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन घंटी जरूर दबाए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। अभी मैं सेना पर धनुष से चला देता हूं और सेना पर धनुष को हुक्म देता हूं। सेना पर धनुष कर्षण अब सेना का रुख वीरवर कर्षण रुख बीर तीर्थकर की तरफ को अभी मोड़ दो गजमोत्री को क्या पकड़ के यहाँ भारत तोपों के शीर्षा किला तुम मस्त रातो के ऊपर सजा सैन को मस्त रातो के ऊपर रातों के ऊपर सजा सैन को राजस्वर में करूंगा चढ़ाई नहीं ऐसा सोचा अगर भूल कर तो समझ खाया मेरा नमक और बच्चे परवर का क्या तुमने खाया बच्चे परिवार का जो मैं कहूँ होगा भेजा नहीं जब तक आए नबकत मोतनी ठंडा होगा हमारा कलर मलखन अब मान तुमको हुआ मार मलखन अब मान तुम्हारा मलखन अब मान तुमको हुआ ये मिला दूंगा मैं खाक में हाथ गजमोती के ऊपर लगाया कर एक से उसके गर्दन उड़ा दूंगा माहिर भाई माहिर भाई हम शीर्षा घर पर चढ़ाई नहीं करेंगे। देख रहे हो सेना पर धांधु अगर बिगड़ गया तो हमारी फौज का क्या हाल होगा। सेना पर धांधु फौरन हमारे यहां से निकल जाओ जाकर के आराम करो। माहिल भाई देखो देखो भाई अरे जरा सा बात कहो धुधुआ बिगड़ गया धुधुआ बिगड़ गया धुधुआ यही बात तो मैं तुमसे पहले ही कह रहा था। अरे धुधुआ बिगड़ गया अरे जरा सा बात कहो किंचा बाकी है बिगड़गा अरे गजमोतिन के पास सुरत बिगड़गा कहे जो गजमोतिन पर हाथ लगाई जे कोई उके धड़ से गर्दन उड़ा देगा देखो भाई भाई हम शिक्षागढ़ पे चढ़ाई नहीं करेंगे। अरे भाई अब या बात तो बनबे ही नहीं अब हम तो उन बात कहते या मानो बात बतलाओ या बात अब छोड़ो शिक्षागढ़ के वाली बात छोड़ दियो तो आगे बताओगे बोलो। अरे धधुआ बिगड़गा अब ऐसा करो अब हिया पर चढ़ाई ना करो अब मोहब्बा पर चढ़ाई करवाओ भाई ना बगता हर का बलाई कहे और देखो वर्दा तनो मोलिया कैसा है कि जो चंद्रावली है और चंद्रावली का डोला लाओ और मलना लड़ सकता ही नहीं और कोई है ही नहीं मोहब्बा माँ और भाई ना बगता हर के साथ ब्याह कर दो और वो अपमान के बदला मिल जाए। अब जुअल बड़ा बढ़िया है भाई नवा के आपके कहने का मतलब के मोहब्बत इस वक्त खाली है बिल्कुल खाली इस है। वक्त वहाँ पर कोई वीर मौजूद नहीं है इसलिए चंद्रावली का डोला ला करके हम अपने बेटे तार के साथ उसकी शादी कर रहे हैं। हाँ बाल के बदला मिल जाए बेटा ताहा सेना पर धांधो से बोलो कि अपनी फौज करो अब मोहबे की तरह मोड़ दे और चल करके मोहबे को चारों तरफ से घेर लिया जाए क्योंकि महाराज वो परमल उनकी बेटी चंद्रावली
क्योंकि खूबसूरत है एक अनमोल हीरे की तरह। हम उसका डोला करके हम तुम्हारे साथ उसकी शादी करेंगे। ठीक है पिताजी। हाँ अभी मैं जाता हूँ और थाधु सेना पर थाधु को बुला के लाता हूँ। हाँ और शिवा माहिल भाई, मैं सारी फौज का मुखा होबे की तरह मुड़वाता हूँ। अरे हम पीछे पीछे भाई घबराओ ना, पीछे पीछे हम हो लाघान, अब मोहब्बा की तरफ हम हो प्रस्थान करे थे। माहिल भाई आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि आप केवल आल्हा और उदल को देख लेना, क्यों तुम मुहब्बे ना आने। हाँ हाँ भाई तुम घबराओ ना, अब बिना बोल कटवा लिए ये माहिल का है ससुर बैठे गई है और हम पीछे पीछे तो कोयलिया गाती है पायलिया छलकाती है, सर्द हवा जब आती है सुई चुमा के जाती है, नदिया का पानी ले चुआ में? हाँ अरे किसकी चाल है बेटी, तो चाल है तब मैया माहिल बेईमानी की। उस माहिल चाल है इसमें मैया माहिल उसी बेईमानी की, और फौज आया है देखो राज।
घबराओ नहीं, तेरा डोला ऐसे नहीं जाएगा। हाँ तो क्या करो भैया? ए री मैया कर बिरन उदल को ना पहुंची खबर, तो भी मर जाऊंगी खंजर जले में। मार कर काम नहीं चलेगा, समझे? तो क्या करूं? हाँ, अरे रूपन, शायद तुम्हें नहीं मालूम किसने बुलाया है। जाओ तुम जगनेर चले जाओ जागर के पास, और जागर से कह देना तुम्हारी नानी और मौसी तुम्हें बुलाया है, बहुत परेशान है। बहुत अच्छी बात, हम चले डोला कला दे। बोला क्या बतलाऊं, जब से मेरे मामा जी मोहब्बत छोड़कर रिजगिर चले गए, तब से उनका कोई समाचार मुझे नहीं मिला। मामू की याद बहुत सताती है, सब याद करता हूं वो दिन जिस वक्त नारा ने उन्हें मोहब्बत से निकाला था और वो दर बदर भटक रहे थे। हमारे जगनेर भी आए और इस जागर ने, हम किसी के हुक्म से मजबूर थे, नाना जी के हुक्म से मजबूर थे कि जो बशर आल्हा रूदल को पानी पिलाएगा, भोजन कराएगा, उसके हक में बहुत ही बुरा होगा। हिंदल प्यास से तड़प रहा था, लेकिन इस जागर ने अपने मुख को मोड़ लिया और मामा जी से हमने बात भी नहीं की। शायद ये यादें क्यों सताती है हमें, क्यों मामा जी की यादें बार बार रुलाती है हमें? कौन है? नानी और मौसी ने तुम्हें याद किया? खाना यहां खाते हो तो पानी मोहबे में। इसका मतलब इतना सख्त बुलावा मेरी नानी और मौसी ने मुझे बुलाया है। हाँ, क्यों नहीं? किसी वक्त जागर इतना सख्त बुलावा, अगर से भोजन हम यहाँ करें तो वहां जाकर वहां धोगी, अवश्य ही कोई कारण है, इसलिए मेरी नानी और मौसी ने मुझे याद किया। अतिशीघ्र ही हम आपके साथ चलने की तैयारी करते हैं, आइए। मालिक, आज हम ये क्या देख रहे हैं? जब भी मैं कभी आता था तो मेरी नानी और मौसी मुझे प्यार से अपने सीने से लगाकर जगनेर का हाल पूछती थी, लेकिन आज इनके आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं। आखिर बात क्या है? नानी चरणों में जागन खड़ा, नानी करूं प्रण, करूं प्रणाम,
प्यारी दो समय क्या चित चिंता जागल नानी, आखिर बात क्या है? आपके आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है? मैं जरूर क्या कारण है नानी, बोलो। मैंने बुलवाया जागल तुझे इसलिए, मैंने बुलवाया नानी इसलिए। इस मोहबेगढ़ को पृथ्वीराज की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है ना। नानी घबराने की बात नहीं, इसी वक्त यह जागरण पृथ्वीराज से संग्राम करेगा, चर्चा करेंगे। नानी डरो मत, इसी वक्त हम किले पर जाते हैं। ऐसा मत करो, तुम चले जाओ रिजगी आला और उदयराज को बुला लाओ। जब वो आ जाएंगे ना, क्यों नहीं नानी? नहीं, क्या बात, आप कैसे बातें करती हैं? आप तो ये जानती है ना, जिस वक्त नाना जी ने इस मोहबेशे और हरूदल को निकाला था ना, वो हमारे दरवाजे भी गए थे हमारे सगने, लेकिन हमने अपने मुख को मोड़ लिया और इतना प्यास से तड़पता रहा, रोता वही दल, हमने उसे भी मुंह फेर दिया, एक बूंद पानी भी नहीं पिलाया उसे। अब कौन सा मुख लेकर हम मामा जी के पास आएंगे, उनकी नजरों के सामने जाएंगे हम? जागर, वो बातें पुरानी हो चुकी है, अब तक वो लोग भूल चुके होंगे। बेटे अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरा डोला चला जाएगा, मेरी बेटी का डोला चला जाएगा। मौसी, हम कभी नहीं जाएंगे, हमें साफ साफ इनकार है, इनकार है, इनकार। ठीक है, जाकर ठहरो, अगर तुम जाने से इनकार हो ना तो उठा अपनी कृपाण, अपने जंगे वापस चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहे, मैं खुद जाऊंगा। नहीं, ये रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, ये रिश्ते सदा ही सलामत रहेंगे। ये जागन
अवश्य ही जाएगा। मौसी घबराओ मत, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं जाऊंगा, तो क्योंकि पृथ्वीराज की सेना ने घेर रखा है ना, इसलिए नानी ब्रह्मा मामा का जो 1 लाख का घोड़ा है और 1.25 लाख का घोड़ा है ना, वो हमें चाहिए। तुम्हें मिलेगा रूपन, रूपन हम मर गया, घोड़े को तैयार करो और घोड़ा लेकर आओ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी में किस गली
वो जा सकता नहीं, काटता हर किस्म से इस चादर का सर, काटता हर किस्म से। देखो भैया घर जाकर खबर लेकर पहुंच गया, खबर तो डोला हर किस नहीं मिल सका, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जागर कभी नहीं जाएगा नीच के। अरे सब घाट पर जब बैल सब घाट है सब पर पहरा लगवा दियो। ठीक है हमें हम बुलाते हैं सेनापति धंधु को। हाँ सेनापति धंधु के पहरा लगा दियो और जाकर जाए बावे अगर तुम्हारा रास्ते बावे उनके सर काट लियो। ठीक है हाँ आप तनी मामा जी आराम कीजिए। सेनापति धंधु नदी बटवा घाट का 42 घाट है, इसलिए हम पहले घाट में तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं। ना तो उस पार का कोई इंसान उस पार जाने पाए, ना तो उस पार का कोई इंसान इस पार आने पाए। ऐसा ही होगा, याद रखना कोई जाने ना पाए। क्या मालिक ये हम क्या देख रहे हैं, नदी बेतवा के 42 घाट और हर घाट पर पृथ्वीराज की सेना है, लेकिन इस सेना के नायक मेरे धांधु मामा हैं। मैं धांधु मामा के पास जाऊंगा, वो हमें जाने के लिए रास्ता अवश्य ही दे देगी, क्योंकि मेरे मामा हैं। बाबा जी आपसे मेरी विनती है, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बाबा जी बाबा जी आज ये दुख की बात है, गेरे मोहब्बा बाबा जी गेरे मोहब्बा को सहना परी चौहानी की रे मोहब्बा पड़ी मलिकानी की गलती मामा जी रास्ता कलवजी मुझे